जैन श्री समडोन रिनपोचे, श्री सुरेंद्र मोहन, प्रोफेसर रामचंद्र गांधी, डॉक्टर वंदना शिवा, प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रोफेसर टी के ओमन, श्री तुषार ए गांधी, प्रोफेसर इरफान हबीब, प्रोफेसर राजन हरसे, प्रोफेसर गीता धर्मपाल, मिस्टर बी जी वर्गीस, श्री रामेश्वराय रॉय, डॉक्टर अभिजीत पाठक एंड अदर हैड ग्रेस द ओकेजन. नाउ वेलकम स्पीच एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द चीफ गेस्ट श्री अनुपम मिश्रा गांधी पीस फाउंडेशन. गांधी शांति प्रतिष्ठान के आंगन में आज आप सब यहाँ आए हैं, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. जो आज का दिन स्वागत जैसे शब्दों की कोई खास छूट नहीं देता, हिंदी में तो नहीं लेकिन संस्कृत में स्वागत से मिलते जुलते उच्चारण का एक शब्द है स्वागत. अपने से बोलना, अपने से कहना, अपने मन से कुछ बात कहना, तो आज का दिन स्वागत का भी है. और इस दिन अगर हमारे बीच आदरणीय गोपाल गांधी जी जैसा व्यक्ति हो तो जो आज की चुनौतियां हैं, आज का जो ज़माना हमारे सामने चुनौतियां रखता है, उसके लिए एक ठीक दिशा वो हम लोगों को दे सकते हैं, कुछ ठीक संकेत दे सकते हैं. आदरणीय गोपाल गांधी जी ने जो भी काम किया है, जो भी दायित्व उनको इस देश ने दिया, वे जहाँ भी रहे वहाँ उन्होंने अपने पीछे एक विशेष सुगंध छोड़ी है, एक अमिट छाप छोड़कर वो उस जगह से गए हैं. हमारे लिए वे केवल वक्ता नहीं हैं और ना आप सब लोग केवल श्रोता हो. आज का शांति प्रतिष्ठान का यह आंगन इस बैठक में उनकी उपस्थिति से, उनके स्पर्श से कुछ अलग ही परिणाम दे के जा सकता है. अपनी मृत्यु से 14 दिन पहले गांधी जी ने कहा था, जो कुछ भी आप करें उसमें परिपूर्ण शक्ति होनी चाहिए, परिपूर्ण शक्ति होनी चाहिए, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं. अगर आप मेरा ख्याल रखें कि यह जिंदा रखा जाए तो बड़ी भारी गलती करने वाले हैं. मुझको जिंदा रखना या मारना किसी के हाथ में नहीं है, वह ईश्वर के हाथ में है. फिर मृत्यु से ठीक तीन दिन पहले उन्होंने गोलियों की वर्षा को आनंदपूर्वक झेलने की भी बात कही थी. अपने को वे तो न्योछावर करके गए, कुछ ऐसे विचार छोड़ गए जिससे आज का ज़माना यदि चाहे तो बच सकता है. मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ. धन्यवाद. With the permission of Honorable Chairperson, I request Honorable Gopal Krishna Gandhi, Chief Guest, for today's lecture. Subject is Our Times, Aaj Ka Zamana. Honorable Gopal Krishna Gandhi. राधा बहन, श्री सुरेंद्र कुमार जी, श्री सुब्बराव जी, भाई अनुपम मिश्र, भाई और बहनों, मैं
गांधी शांति प्रतिष्ठान के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मुझे उन्होंने यहाँ बुलाकर गौरवान्वित किया है और एक बहुत गहरी सोच में भी मुझे डाल दिया है। वो सोच ये है कि मुझे इस सभा को इस अवसर पर संबोधित करने का क्या अधिकार है, ये प्रश्न गहरा प्रश्न है, कड़वा प्रश्न है और उसका जवाब बहुत सरल भी है और कष्टदायक भी है। वो जवाब ये है कि कोई अधिकार नहीं है। अधिकार आज इस सभा को इस अवसर पर संबोधित करने का जिन पर है, वो कई लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनमें से कई लोग यहीं हैं जो कि वक्ता हो सकते हैं, जिनका मैं श्रोता हो सकता हूँ। पर मैं बस अपना संयोग मानकर इस बहुत बड़े सम्मान को स्वीकार करता हूँ। शुरू में मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि आप में से कोई ये न समझें कि ये कोई गांधीवादी आपको संबोधित कर रहा है। मैं गांधीवादी नहीं हूँ। मैं आज के कंज्यूमर ज़माने का एक बहुत चमकता हुआ प्रतीक हूँ। मुझमें आप कोई त्याग मूर्ति न देखें। हाँ, मैं भोगी नहीं हूँ लेकिन योगी तो हूँ ही नहीं। जब मैंने पूर्व वक्ताओं के नाम सुने तो मुझे अपनी असमर्थता पर और ताज्जुब हुआ। कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ आई। दलाई लामा को मैं यहाँ स्वयं सुन चुका हूँ, तार अली बेग को मैं यहाँ स्वयं सुन चुका हूँ। सारे नाम जब मैंने सुने तो मुझे लगा कि यहाँ मुझसे आप सब के सामने बोलना एक धृष्टता होगी। पर जब मैंने देखा कि मेरा भतीजा तुषार भी यहाँ बोल चुका है तो मुझे थोड़ी सांत्वना मिली कि भतीजे के बाद चचा बोले तो शायद कुछ बैलेंस ठीक हो रहा है। आज का ज़माना आवर टाइम्स, टेल ऑफ टू सिटीज़ आप सब पढ़ चुके होंगे। डिकेंस उसमें लिखते हैं, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फूलिशनेस, इट वॉज द इपॉक ऑफ बिलीफ, इट वॉज द इपॉक ऑफ इनक्रेड्यूलिटी, इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट, द सीजन ऑफ डार्कनेस, the spring of hope and the winter of despair. तो आज अगर हम देखें तो ये हमारे बारे में भी कहा जा सकता है। It was the spring of hope and the winter of despair, the season of light and the season of darkness. पर आप पूछ सकते हैं, शायद मैं भी अगर सभा में होता तो पूछना चाहता है कि आप हमारे ज़माने को सीज़न ऑफ होप, स्प्रिंग ऑफ होप और सीज़न ऑफ लाइट कैसे कह सकते हैं, सब जगह अंधेरा अंधेरा ही लग रहा है। पर डार्कनेस और डिस्पेयर पर आने से पहले वहाँ मैं आना ज़रूर चाहता हूँ आज इस संवाद में, पर उससे पहले मैं ये भी देखना चाहता हूँ, आप सबके साथ देखना चाहता हूँ कि हमारे इस ज़माने को सीज़न स्प्रिंग ऑफ होप और सीज़न ऑफ लाइट कैसे कहा जा सकता है। एक तो ये है कि
अभी कुछ दिनों तक हमारे बीच में नेल्सन मंडेला थे, 4 दिन पहले तक पीट सीगर हमारे साथ थे, और आज भी दलाई लामा हमारे साथ विद्यमान है, ऑंग सान सूची हमारे साथ है, मलाला यूसुफ़ज़ई, 14 वर्षीय मलाला यूसुफ़ज़ई हमें प्रेरणा दे रही है। तो ये अगर स्प्रिंग ऑफ होप नहीं है तो क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? पीट सीगर की आयु 93-94 थी जब वो गए, और वी शैल ओवरकम जो उन्होंने हमें दिया है, वी शैल ओवरकम उन्होंने लिखा नहीं था, इट वॉज एन एग्जिस्टिंग स्पिरिचुअल, उन्होंने उसको सिंगबल बनाया, वी विल ओवरकम को वी शैल ओवरकम करके उसको एक उन्होंने उजागर सा बना दिया। दुनिया की हर जबान में वो अनुदित है, और जैसा कि होना ही चाहिए, बांग्ला में तो दो हैं उसके अनुवाद, सब जगह एक है तो बांग्ला में 2 हैं, एक दिन सूर्जेर भोर और आमरा कोरबो जॉय, आमरा कोरबो जॉय, जब आमरा कोरबो जॉय के बाद आमरा कोरबो जॉय निश्चय जब आता है तो वी शैल ओवरकम से भी एक कदम आगे बढ़ जाता है। तो ये स्प्रिंग ऑफ होप नहीं है तो और क्या है? ही लिव टिल 94, और उन्होंने वी शैल ओवरकम बना के दुनिया को दिया, दुनिया को एक बड़ी विरासत में दिया, उससे नहीं, वो अभी 2011 में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट जो हुई उस पर वो खुद शामिल थे। पीट सीगर, मलाला के बारे में कहना कोई जरूरी ही नहीं, हम सब उस बच्ची के उदाहरण से वाकिफ हैं। तो शायद ये सवाल हमारे दिमाग में अब आज उठ सकता है कि जो भी मैंने उदाहरण दिए हैं, इस होलीनेस दलाई लामा ज़रूर भारत में हैं, लेकिन वैसे देखा जाए मंडेला, दलाई लामा, ऑंग सान सूची, मलाला, पीट सीगर, भारत में क्या कोई उस कद का कोई है? तो हम एकदम निराश हो जाएं उससे पहले ये ज़रूर सोचें कि भारत के जनसमूह का 50%, फुल हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 25 वर्ष से छोटा है, लेस देन 25 ईयर्स, दिस इज़ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन टर्म्स ऑफ सिविलाइजेशनल लेगेसीज। तो इसमें स्प्रिंग ऑफ होप नहीं हो, सीजन ऑफ लाइट नहीं हो तो और क्या हो सकता है? पर अगर इस लेस देन 25 ईयर्स के पॉपुलेशन को प्रेरित करके अगर आगे किसी को ले जाना है तो वो क्या है या कौन है? India is one of those very few countries in the world where political parties and social movements have gone together and have actually merged. 1885 tak Congress form hui, it was a political party, aur political party aur bhi political parties ban sakti thi, bani bhi, lekin aaj jis इंसान की स्मृति में हम एकत्रित हुए हैं, उसने जो सोशल एक मूवमेंट शुरू करी और उस मूवमेंट को पार्टी के साथ जोड़ा, तो एक नया मिसाल हमारे सामने रखा, दैट अ सोशल मूवमेंट नीड नॉट बी ऑन द स्ट्रीट्स, वी शैल ओवरकम इज अ सोशल एंड इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन उसको कार्यान्वित किया जा सकता है पार्टीज के जरिए भी, और अगर पार्टी को किसी उस अंश से तकलीफ हो रही है जो कि सड़क पर होती है, तो पार्टी अपनी अपना अस्तित्व अलग रखे, मूवमेंट अपना अस्तित्व अलग रखे, पर कई जगह वो दोनों एक साथ मिलते हैं। अगर उस इंसान ने यह मिसाल नहीं दी होती तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस बलवान रहती और बहुत बड़ा योगदान भी करती, लेकिन जिस तिलस्म को वो छू गई वो शायद उस तरह न छूती। तो तब
नौजवान भी वृद्ध भी सब उसके साथ जुड़े। मोतीलाल नेहरू जैसे वयोवृद्ध भी उसमें आए और तरुण तपस्वी जवाहरलाल भी उसमें आया। तो ये उस आदमी का एक जादू था। आज ऐसा कुछ है क्या? इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। हम जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, हर एक के दिमाग में एक अलग सवाल, उसी सवाल का अलग जवाब हो सकता है। लेकिन मैं नहीं मानता कि किसी के भी मन में उस सवाल का एक ऐसा जवाब है कि यस वी हैव अ टोटल आंसर टू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। गांधी ने भी कभी नहीं कहा था कि ही हैज़ अ टोटल आंसर टू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। गांधी के सबसे स्वच्छ अनुयायी जयप्रकाश जी ने हाँ टोटल रिवॉल्यूशन की बात करी थी, पर उन्होंने उसको भावी इतिहास का नाम बताया था। भावी इतिहास हमारा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं टोटल हूँ, उन्होंने कहा कि वो लक्ष्य है। पर आज वो जो एक सामूहिक, एक सामग्रिक जो एक बात है जिसको पूर्ण कहा जा सकता है, वो हमें कहीं नहीं मिलती है, न किसी आज के मौजूदा सोशल मूवमेंट में, न कहीं आज के मौजूदा पार्टियों में। तो हमारा जो लेस देन 25 जो युवा समाज समूह है, वो एक प्रेरणा है जो कि दिशा ढूंढ रहा है, ऊर्जा है जो कि गंतव्य ढूंढ रही है, शक्ति है जो कि आदर्श ढूंढ रही है। उस